शुरू शुरू के ट्रैवल एक्सपीरियंस में ये अक्सर होता है जो मेरे साथ हुआ। एक्चुअली यहाँ पे गलती भी मेरी थी, मैं उस खूबसूरत लड़की से सवाल ना करता, वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी ना पीता, मेरे साथ ये ना होता। हुआ क्या, उस सफ़र के बाद तकरीबन एक हफ्ता मैं बेड के ऊपर पड़ा रहा हूँ, मेरा पूरा वजूद दर्द कर रहा था, मुझसे बहुत मुश्किल से चला जा रहा था। अब शुरू से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं यहाँ से निकला हूँ, त्रविजियो के लिए ट्रेन पकड़ी है, वहाँ से मैंने बस पकड़ी, मैं लागो दी फुजीने के लिए निकला। लागो दी फुजीने बस डायरेक्ट नहीं जाती, आधा घंटा पीछे आपको उतारती है, वहाँ से आधा घंटा आप वज़न उठा के लागो दी फुजीने जाओ, वहाँ पे आप घूमो फिरो एंजॉय करो, उसके बाद एक जगह का नाम है जाकी, वहाँ पे आप जाओ, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा व्यू आता वहाँ से। जब मैं उस बार पे बैठा, मुझे नहीं पता था उस जगह के बारे में, जब उस बार पे मैं बैठा हूँ, काफ़ी मैंने ऑर्डर की उस खूबसूरत लड़की से, काफ़ी ऑर्डर की मैंने, मेरे चेहरे पे इस वक्त अंधेरा आ गया क्योंकि बादल आ गए सूरज के। ओके, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जब उस खूबसूरत लड़की से मैंने सवाल किया, मैंने कहा यहाँ पे कोई प्यारी जगह है जहाँ पे मैं जाके एंजॉय कर सकूँ, ड्रोन उड़ा सकूँ, तो उसने मुझे कहा एक जगह का नाम है जाकी, वहाँ पे आप जाओ, बहुत प्यारा व्यू है, एंजॉय करोगे। तो 2 बजे तकरीबन मैं वहाँ पे था, बार में मैं निकल पड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ जाकी, सुनने में आया बहुत प्यारी जगह है, लेकिन पता नहीं कितनी दूर है। 2:15 मैं तकरीबन एक लड़के से रास्ते में मिला हूँ, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा जाकी कितना दूर है, उसने कहा मैं 1 बजे निकला था, 2:15 हो गए हैं, तो आप तेज़ आओगे तो आप पहुँच जाओगे। लेकिन वो वापस आ रहा था, मैं जा रहा था, क्योंकि जाते वक्त चढ़ाई है, आते वक्त उतराई है, तकरीबन उसको 1.25 घंटा लग गया था उतरने में, आहिस्ता आहिस्ता सुकून सुकून से, और मैं निकल पड़ा। जब मैं रास्ते में पहुँचा हूँ, मिड में पहुँचा हूँ, तो मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए थे और हालात बुरे हो गए थे मेरे। 2:15 चलना शुरू किया था मैंने नीचे से, अभी 3:25 हो गए, अभी तक वो पॉइंट नहीं आया जहाँ मैंने जाना है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, रेस्ट किया फिर निकल पड़ा मैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ बहुत खुश होता हूँ, फिर भी ये छोटा सा क्लिप मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। गाइस, ये हैं वो पहाड़ जिनके लिए मैंने इतना सफ़र किया है। और जब ये कहता हूँ फिर मैं ऊपर जाता हूँ, जाके मैं पानी पीता हूँ, सुकून करता हूँ 10 मिनट, उसके बाद लोगों से बातें करता हूँ, तो फिर मैं ड्रोन निकालता हूँ, ड्रोन उड़ाता हूँ। जैसे मैंने ड्रोन उड़ाया हवा में, 2 मिनट बाद मुझे ये मैसेज आया। दोस्तों, मेरे साथ ये हमेशा होता है, जब भी मैं कोई प्यारी जगह पे आता हूँ, ड्रोन उड़ाता हूँ, वहाँ पे मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है। अब मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया, एक ही मेमोरी कार्ड मैं लिया हुआ अभी तक, और इतनी प्यारी जगह आया हूँ, साइडों पर पहाड़ ही पहाड़ हैं, और ये मेरे साथ हमेशा होता है, नया नया ड्राइवर हूँ, हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन व्यू को एंजॉय कर रहा था मैं। अब तकरीबन 4:30 का टाइम हो गया था, 4 बजे वहाँ पे मैं पहुँचा था, और मैंने दोबारा जो बस पकड़नी थी वो 5:45 में पकड़नी थी, जहाँ बस ने मुझे उतारा था। लागो दी फुजीने से लेके जाकी तक का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है, पैदल आराम आराम से आप जाओ तो, क्योंकि सारी चढ़ाई है, और लागो दी फुजीने से लेके जहाँ बस आपको उतारती है वो सफ़र तकरीबन 1/2 घंटे का, मतलब ये 3.5 घंटे का सफ़र टोटल। और जब मैंने वहाँ पर टाइम देखा, 4:30 का टाइम था ऊपर जाकी पे, और बस मैंने पकड़नी थी तकरीबन 5:45 में, ये आप हिसाब लगा ले कितना टाइम बाकी था मेरे पास। और एक तो मैंने सोचा यहाँ पे रात रह लूँ, लेकिन जब होटल से पता किया, होटल एक्सपेंसिव था, मैंने कहा नहीं बस पकड़नी पड़ेगी, मैंने लगा ली दौड़। बस मैंने पकड़ ली, कहने का मतलब बस मैंने पकड़ ली, लेकिन बस मैंने पकड़ के मैं घर आया हूँ, और तकरीबन उसका मुझे मुआवजा 1 हफ्ता पूरा अदा करना पड़ा, मतलब कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब। इसलिए ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी लोकल ट्रांसपोर्टर कह रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई लोकल ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, सफ़र करते हैं,
पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें, फिर सफ़र किया करें। मेरी तरह ऐसे ही ना निकल जाया करें, जिनके पास गाड़ी है वो जाएं इंजॉय करें। सही है, फिर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।